चेयरमैन सरवर ने वसादत संग इतने आबाद हो है जी। अस कश्मीर सो आए हाँ, अस इलाका भी सिलेक्ट कर उस मिलना जुलना अस जिस बंदे सची सकना हूँ गड्डिया भी अस जिस बंदे इंशाला टूर उस पूरा साथ देने जी। इन्होंने सियासी मुखालफी ने वो इन्होंने जोड़े न जो अमली जो कम है ना उन्होंने इन्होंने मुकाबला नहीं कर सकने तो यह बेजा तनकीदात करने जिते बहने होटलों पर चौपालों पर बेहद गल् पाने जी ए जी वो आ खोखले नारे अस अज इत देखा तो अस परेशान ही गए। जी नाजीन अस मोसा थोआ ना जो इलाका आ इसके आने जी टोक मूसा नि मूसा नखो इसके आने जी मूसे नखो इसकी आखने न्यू खलियोट न्यू खलियोट जी इना जड़ी टोक ना इस नवा न्यू खलियोट इना जड़ा ठीक है मैं समझ गया ठीक है। ए जी मैं तुसें गी इत्थे जड़े रहायशी है सोना दा गपशप लासा जी अब्दुल आसम साढ़े नाल जी न्यू खलियोट 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 ठीक है जी। ये ढोक है जी तो साढ़े नाल इतने ने रिहायशी मौजूद है जी। इन्होंने पहले अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम पूरा नाम क्या सुना हाजी असगर जी। हाजी असगर साहब साढ़े ने मौजूद है ये पलंदरी आजाद कश्मीर से आए तो इन्ना है इतने रह रहे हूं वाह ते चेयरमैन सरवर ने वसादत संग इतने आबाद होए हूं ते उन्होंने बिजली और सड़क मुहैया की माशाल्लाह माशाल्लाह और उन्होंने बेटे इरफान साहब इरफान उन्होंने बेटे तारक तारक साहब है ते ये बड़ी तुसा नाल उन्होंने रात बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे मैं की फॉलो जो मैं समझी मैं हम गल कराऊं जी कोई मसला नहीं जी। ये देखो जी ये इना माशाल्लाह जी हाजी साहब और इन्हें है जी अस कश्मीर से आए हाँ अस इलाका भी सिलेक्ट कर उस मिलना जुलना तो इरफान और असि पूरा इन्होंने बायोडेटा दस इरफान भाई तुम दसो जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब सबसे पहले मैं तुसा शुक्रिया अदा करना कि तुसानी वसादत नाल असा ये अपने थोए खालसे ने दुशवार गुजार इलाके जो रहायश पजीर लोग है उन्होंने जी तरक्याती कम है या उन्होंने वाले कोई मुश्किल हुई तो उजागर करने वाला काम तक सर ये जी ढोक इसकी आने न्यू खलियोट न्यू खलियोट ये खलियोट सूबा एक एरिया इतने बसे इन्हें तकरीबन 20 साल हो गए 2001-2002 ने दई च आए हो ठीक है और इतने ये बसे और इन्हें इतने पहले एक घर सा फिर दो करने करने हूँ इतने 14-15 घर रही है ये अज साहब आए फिर इन्होंने सुसर साहब से गठे आए फिर उस बाद सारे लोग कशने के 14-15 घर इतने सारे इन्होंने ऐसा दुशवार गुजार इलाका था कि जो इतने रहने से लोग इन्हें कहने से कि कुछ बसे वो चीते इतने ना कोई पानी ना कोई बिजली ना सड़क किस तरह से अपना गुजारा कर सो मगर अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला असा इस ना आगाज किया उस टाइम इंशाल्लाह 86 से आगाज किया ना इस ना इस थोए नी तमीरो तरक्की ना साढ़े वालद साहब से फिर असा हाँ फिर आजी साहब की असा नार रखिया और से साढ़े आजी साहब की असा नार रखिया रखी तो असा फिर साढ़े वालद साहब इन्हें की सड़क बनाई दी कच्चा ट्रैक कच्चा ट्रैक रूसी ट्रैक टूरने फिरने वास्ते फिर साढ़े वालद साहब 2010 फौत हो चुके उस तो बाद फिर आजी साहब ने बड़ी मेहरबानी है कि उस टाइम भी वालद साहब न मुंडे ना मुंडा लाई रखे तो इस टाइम इंशाल्लाह सारे मुंडे ना मुंडा लाई फिर सारे नाल टुरने रे फिर अपने माड़े भाई राय तारा करते अपने ये शायद सब को बड़े दौड़े इस बिजली मरे शायद हकान भाई साहब को और शायद हकान भाई साहब ने बड़ी मेहरबानी उन्होंने खतीर रकम एक 20-21 लाख रुपया दिता और इस इलाके की असं बिजली दुशवाग पंद्रह साल पहले और फिर इस तू बाद अलहमदुल्ला सुम अलहमदुल्ला इस बारी 2018 च ना 13 च ना से 18 च रसखीर वोटा दतिया ने 18 रसखीर बनी गई एमपी हो फिर रसखीर फंड दिता उन्होंने सातन नाल असा जी रोडा पर आए असा फिर कुछ पीस पक्के कराए जे इंतहाई मुश्किल से हां काफी आसानी हो गई ये इंतहाई मुश्किल से कराए तो हुन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए सामने तुसा दई तक सकन इन्हां ने गड्डियां इन्हां ने घर रचनियां बिल्कुल असा जिस बंदे नाल बंदा ना सच्ची सकना हुन गड्डियां भी असा जिस बंदे नाल इंशाल्लाह टूरा उस ना पूरा साथ देने आ और उस नाल पूरा साथ दई तो ना आरे वाले नाल पर इस इलाके ने अल्हम्दुलिल्लाह तखो के पसमानगी के साथ हुन गड्डियां घर रचनियां और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ए पर मस्जिद बनती हुई इसने सारे वालद साहब एक कनाल जगह दई गए से
और इस कब्रस्तान और मस्जिद एक नाल जा दे गए से भाई अज साहब ते इन्हें कुछ सारी मदद हासिल की कुछ अपने तई करी इन्हें फिर मस्जिद बनवाई ठीक है। और इस तू बाद अलहमदुल्ला इन्होंने एक मसला रह गया थोड़ी जी रस्ते रोड ही वो थोड़ा एक पैच रह गया वो बनाना और एक एक गैस का मामला इन्होंने रह गया वो गैस जी सारे इलाके भी लगती तो इन्हें इन शाला अलहमदुल्ला अज अस देखो कि इधर मारो है गड्डी कार एक कार इतना छनी ये पसमानगी सा दूर हुई और उन्होंने कह रही है वह सामने अशनी मोटरसाइकिल हूँ अलहमदुल्ला इतने सुनूक सुजुकी अशनी और इतू बच्चे शिफ्ट करने स्कूल जिन्होंने बच्चे इतू पैदल गछने से ठीक है। इंशाल्लाह इस तमीर और तरक्की ने सफर अस रवा दवा रहे हैं और ये अजी साहब ने संघ और बड़े भाई राय तारक इन्होंने संघ अस इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तमीर और तरक्की ने सफर जारी रख सर तुसानी बड़ी मेहरबानी कि इस चीज़ का उजागर करने दिन 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 थे जो मसायल है उन्होंने उजागर करने असा खोखले फैर ना करने असा खोखलियाँ गल ना करने असा अमली काम करी तो दसने वाले बंदे शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी नाजरीन माशाअल्लाह जी तुसां तकिया जी अरफान साहब ने कोशां काविशां नाल जी ये जंगल च मंगल बनता जी असा हैरान हो गया जी और इन्हें वालद मोहतरम जितने अहले मकीन है इन्हें मस्जिद जा दी और कब्रस्तान से दी उन्हें कि रफी अरफान साहब सड़क भी बनवाई दी बिजली भी पैतारो और इन्हें सारे रली मिली लगवाई दी तो बहुत ज़बरदस्त जी माशाअल्लाह जी अल्लाह पाक सो किसी अजर दें जी और इंशाअल्लाह मजीद मिसाल इन्होंने हल होसन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाजरीन बिलाखिर असम एक तवील मसाफत से बाद मंजिल मकसूद पर पहुंचे हैं जी। इस क्या है जी मूसे नखो जी ए बोर्ड ना दरख्त देखी सकने हो जी ये बोर्ड ना दरख्त जाना इसकी देखी तो माड़ा अंदाजा है कि 500 साल कम अज कम ये पुराना दरख्त हो सी और ये कुआ है जी ये मूसे नखू इस तारीख दसन जी असि राजा तारक सरवर साहब तो अरफान साहब भी मौजूद असं तुसा की कुछ पानी भी है जी इस कुएं ने पत्थर तक कुछ ने पत्थर सुन तक कोई कच्चे पत्थर लगे हुए और ये जेठे च पानी सूखी किस ना देखो जी हुन पाले उतने खूबसूरत बनाया जी दसा हुन पपतारों को पूछो इसने तारीख जी नाजरीन असा एक तवील मुसाफत सुबह असा मंजिले मकसूद पहुंचे हैं जी बाबा जी मूसे नखो जी ते बाबा तारक साडे नाल ही अरफान साहब भी साडे नाल ही आयशा भी लियाने मकीन इत्थे न्यू कलियोड़ ने तो पापा तुसा इस बोर्ड ने बारे च दसो तो यह मूसे ने खूह है इसकी मूसे ने खूह की आखने इसने क्या तारीख ही कितना पुराना आ ये तुसा दसो सर ये पुराना जरा ये तो कोई पता नहीं 500 600 700 साल ठीक है ठीक है क्योंकि असा अपने दादे पड़दादे को भी ठीक है ये सुनिया कि भाई ये इसे तरह ही सा 60 साल माड़ी उम्र होगी मैं भी इसे तरह खूह तखिया इसे तरह बोर्ड तखी ठीक है ठीक हो गया लेकिन वो जो बजुर्ग डोग से वो ये कहने से कि इतना एक बंदा जरा सा मुसलमान सा जिस ये बनाया बाकी सजे खबे सब उड़े सिख राज जी सिख राज सा क्योंकि ये सारा एरिया ही सिख डेरिया जिस तरह मतलब उपर एक पंडितों ने नकाया अच्छा बाशी ने उस तो बाद बख्शिया ये सारे वो लोग से रामचंदा नका हुई वो सामने से ये पर गंगू वाली ढेरी सी अपना राणा नक्का राज ही से बंदे सारे तो उन्होंने अंदर को मुसलमान एक बंदा सा जिस बंदे जिसका नाम मूसा सा जी जिसका नाम मूसा सा एक कुआं उस बनाया जी एक कुआं उसने तेरा पानी छानी जरा ना पानी तो जब तक लोग पीने इसमें अच्छा ये पानी पीने लाया पानी सूखा नहीं कई 100 साल ये बोर्ड भी माशाल्लाह उस बोर्ड जो दूर नहीं से था 60 साल तो सब तकने भाई उससे तो ही तकने कोई जरा भी आगे पीछे मतलब हां मूसे नहीं मिल गई ये जगह अजे भी उन्होंने ना ही ना जगह तो फिर आगे हां ठीक है ठीक है लोगों खरीदियां खरीद नहीं है जहर वो पाकिस्तान बनने से बाद भी अलॉटमेंट होनी है आगे लोग बेच ही छोड़ने इसने सजे खबे साड़ी साड़ी खरीद है हां ये तो सुन बिल्कुल हां तकरीबन 350 कनाल जगह जड़ी है जी नाजीन असा अज राजा तारक सरवर साहब और अरफान साहब ने लाई हैं जी ए न्यू खलियोट जी अगर तुम दसिया सा ये
ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਸਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬੋਨ ਇਲਾਕਾ ਸਾ, ਪਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਤਾਰਕ ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਸੜਕ ਵੀ ਥੇ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਮਟੋਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੁਫਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਲਫੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਜਾ ਤਨਕੀਦਾਤ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਪਰ ਚੁਪਾਲਾਂ ਪਰ ਬੇਜ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਖੋਖਲੇ ਨਾਰੇ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੀ ਔਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗਛਣੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸੱਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜੀ ਖੁਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੇਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਫੀਕ ਦੇਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਸਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਹੱਲ ਕਰਸੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਈਆਂ ਫੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਡਾਈਆਂ ਮੁੜੀ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿਊ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਣ ਕਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਆ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਾੜ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਨਿਊ ਖਲਿਓਟ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰਡ ਈਅਰਫੋਨ ਸਭ ਸੋਨੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।